रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिल मन कता का, उससे तुम रिश्ता जोड़ लो जो तुम्हें तोड़ रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस जिससे पूरा मुआशरा हमारा मरबूत है, और यहां तक कि वईद भी मेरे आका ने फरमाया जो रिश्तों को तोड़ता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। यानी जिसके अंदर अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने रिश्तेदारों को माफ करने की कुव्वत नहीं है। बहुत सारे मामलात होते हैं, गुस्से में लिए हुए फैसले तुम्हारी कई कई जिंदगियां खराब कर जाती हैं, लेकिन माफ करने की अगर तुम्हारे अंदर सकत नहीं है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुनिया में माफ नहीं करता कल कयामत के दिन वो माफ नहीं किया जाएगा। तुम अपने रहमान से जिस बात की उम्मीद रखते हो कि अल्लाह मेरे हर गुनाह को माफ करे, तुम अपने लिए जब ये चीज उम्मीद रखते हो तो अपने मातहत जो है उनको माफ करना सीखो। ये इस्लाम है, सिल मन कता का, जो तुम्हें तोड़े उसे जोड़ लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमाना के साथ एक बात मैं आपको बता दूं, अम्र बिन आस एक सहाबी हैं, ये भी पहले दुश्मनी में रहे, इस्लाम ले आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे, और 30 साल का अरसा आ गया हुजूर की वफात के बाद, जब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ मामलात हुए अमीर मुआविया के, ये खिलाफत अली के जमाने की बात कर रहा हूं, कि इख्तिलाफ हो गया दो सहाबा में, हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया में, खूने उस्मान की वजह से हजरत उस्मान का कत्ल हो गया था। अमीर मुआविया बदला लेने के लिए मुतालबा कर रहे थे हजरत अली से, जो खलीफा वक्त थे और खलीफा बरहक थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नजदीक बहुत सारे मसले थी, बहरहाल इस मसले को लेकर के बात इतनी बढ़ गई कि जंगें हो गई, दो जंगें हो गई, जंगे जमल और जंगे सफैन। ये जो जंग हुई ये मुसलमानों में आपस में हुई थी, इसमें हजरत अम्र बिन आस हजरत अमीर मुआविया की तरफ से थे, अमीर मुआविया की तरफ से उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र ये बयान करते हैं कि जब जंग हो गई यहां तक कि अम्मार बिन यासिर कत्ल हो गए जो हजरत अली की तरफ से आए थे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको जिंदगी में बशारत दी थी, फरमाते हैं मेरे आका है अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, और अम्मार यासिर अम्मार बिन यासिर जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे और वो जमात दोजख की तरफ बुला रही होगी, और इसी जंग में वो कत्ल हो गए जंगे से पहन। तो हजरत अब्दुल्ला अपने बाप से कहते हैं अम्र बिन आस से, क्या आपने हुजूर की हदीस नहीं सुनी थी, देखो हजरत अली की तरफ से आए थे और वो कत्ल हो गए, आप तो बाज आ जाओ, इन तमाम चीजों को छोड़। बहरहाल वो जंग आपस में सुलह मुसालहत के बाद खत्म हो गई, फिर कभी नहीं हुई, लेकिन हजरत अम्र बिन आस कहते हैं, अब सुनिए, गुस्से में लिए हुए फैसले, एग्रेसिव होकर के इतने बड़े जो मामला थे, अम्र बिन आस कहते हैं एक वक्त था मैं कुफ्र पर था और उसके बाद अल्लाह ने हिदायत दी, मैं इस्लाम में आया, वो सबसे अच्छे दिन थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहा, फिर एक जमाना ऐसा आ गया कि हजरत अली और अमीर मुआविया में मामलात हुए तो मैं अमीर मुआविया के साथ खड़ा रहा मामलात को देखते हुए, और जंग तक की नौबत आई। अम्र बिन आस कहते हैं काश ये दिन आने से पहले मैं मर गया होता, हर दिन ये बात करते थे, हर दिन ये बात करते थे, काश मुसलमानों की आपस की जंग देखने से पहले मैं दुनिया से चला गया होता। यही बात उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका भी फरमाती थी कि काश ये जंगों के होने से पहले मैं दुनिया से चली गई होती। मेरे अजीजों, कभी कभार जिंदगियां तुम्हें सख्त बना देती, हालात इस तरह ले आते हैं कि तुम सख्तियों में अपनी बहनों को निकाल देते हो, अपने भाइयों को निकाल देते हो, और फिर एक दौर गुजर जाता है उसके बाद पछतावा तो आता है, कुछ लोग पछतावे के बगैर मर जाते हैं उन्हीं दुश्मनियों में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के मुतालिक फरमाया कि जो अपने भाई को माफ नहीं कर सकता कल कयामत के दिन वो मेरी शफात के लिए ना आए, मेरी शफात के करीब ना आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हदीस की बुनियाद पर मैं ये अर्ज जरूर करूंगा, हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो शिकायत करते हैं, बहनें हैं जिनके भाई उनसे रूठे हुए हैं, घरों से बाहर रखे हुए हैं, कई बहनें ये सिर्फ ख्वाहिश करती हैं कि अब माँ बाप भी नहीं रह गए, भाई एक मरतबा मोहब्बत से हमें बुलाए, बात करें,
नहीं होता, ये कता रहमी यानी रिश्तों को तोड़ करके रखना और माफ ना करने का जज्बा। मेरे अजीजों, आप उम्मत मुहम्मदिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक की करीमाना सबसे आला अखलाक है, सबसे आला अखलाक है। इन्हीं अखलाक करीमाना ने लोगों के दिल जीत लिए। मक्का वाले जब गिरफ्तार होकर के आए फतेह मक्का के दिन, हुजूर ने उनसे पूछा तुम मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो, तो मक्का वालों ने सिर्फ इतना ही कहा था अंत करीम उबिन करीम, आप शरीफ हैं, शरीफ के बेटे हैं, आपके बाप भी शरीफ, आप भी शरीफ, आपका खानदान शरीफ है। तो सहाबा उस दिन नारा लगा रहे थे, उस दिन अल यौम यौम ज़हमा यौम मलहमा, सहाबा कह रहे थे आज तो टुकड़े टुकड़े करने का दिन है, आज गोश्त के छितड़े उड़ेंगे। आज सहाबा ऐलान कर रहे थे क्योंकि बरसों से ये लोगों ने परेशान किया था मक्का वालों। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार होते हैं, मक्का वाले कैदी थे उस दिन, कैदी थे, 10,000 सहाबा के लश्कर के बीच में खड़े थे उस दिन, वो सर नहीं उठा रहे थे मक्का वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल यौम यौमुर रहमा इज़हबू अंतुम तुलक्का, आज का दिन रहम करने का दिन है, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। यह हदीस पाक में है, यूसुफ अली सलाम बनी इसराइल के नबी अपने सगे भाइयों को कुएं में डालने के बाद फिर माफ करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, अपनी उम्मत को क्यों ना माफ करें। मेरे अजीजों, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ये जिंदगियां हमारे लिए दरसे इबरत होती हैं। बदलो अपनी जिंदगियों में कुढ़न जलन हसद कीना, ये चीजें तुम्हें बीमार बना देती हैं और ऐसी बीमार बनाती है कि पल पल सुकून खत्म कर दी जाती है। अगर किसी से तुम्हें नफरत हो तो हमेशा उसकी कुड़न में मरीज बनते चले जाओ। माफ करने का जज्बा रखो, वसाते कल भी रखो, कुशादा जर भी रखो। खानदानी मामला होते रहते हैं, कुछ लोगों को देखा है हमने गुस्से में लिए हुए मामला कितनी दूर तक जाते हैं।